सीढ़ियों में मैं आपको लेडीज शर्ट की कटिंग व सिलाई बता रही हूँ। जैसे कि शर्ट की लंबाई तैयार हमें 30 इंच की करनी होती है। पहले हमें इसके आगे वाले पीस निकालने होते हैं शर्ट के। जैसे कि हमारा ये कपड़ा है, ऐसे खोल के इसको ऐसे डबल कर लेते हैं, ऐसे। इसके बाद जैसे कि हमें शर्ट की लंबाई 30 इंच की तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें जैसे कि ये यहां तक 30 इंच होता है, इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जो नीचे से मुड़ाई होती है। जैसे कि हमें शर्ट में आगे थोड़ा हल्का चुन्नट वाला डिजाइन डालना है, उसके लिए हमें जैसे कि 30 इंच तैयार होती है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 31 इंच हो गया। उसके लिए हमें 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है, ऐसे 34 इंच का। इससे आगे वाले पीस में हम चुन्नट डालेंगे, उसके लिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ऐसे 34 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। कंधों की लंबाई हमें 8 इंच लेनी होती है, ऐसे। और मुंडों की लंबाई 7 इंच, ऐसे। और जैसे कि हमें शर्ट की चौड़ाई 36 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 10 इंच पर निशान लगाना होता है, ताकि कुछ कटाई में आता है और आधा इंच सिलाई में आता है, इसलिए हमें 10 इंच पर निशान लगाना होता है, ऐसे। फिर हमें इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना होता है। और गोलाई के लिए हमें इस पे 2 इंच का निशान लगाना होता है, क्योंकि शर्ट में ज्यादा गहराई नहीं होती, ऐसे। फिर ऊपर से नीचे को ऐसे मिलाना होता है। इसके लिए हमें यहां से शर्ट को ऐसे सीधा निशान लगाना होता है, जैसे कि ये हमारा 10 इंच था यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, थोड़ा हल्का सा। जैसे कि शर्ट है, हमें थोड़ा हल्का सा हम नीचे से लूज कर लेते हैं, ये 10.5 पे, ऐसे। इसके लिए जैसे कि हमें कमर की लंबाई लेनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 7 इंच पे गोलाई लेनी होती है, यहां से मुड्डों से यहाँ 7 इंच पे। और हिप्स की लगाते हैं फिर हम 14 इंच पे। इसके लिए हमें ऐसे यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाना होता है कमर की गोलाई के लिए। और हिप्स की गोलाई के लिए हमें 9.5 इंच का निशान लगाना होता है, ऐसे। इसको फिर हम हल्के से हाथ से ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे गोलाई करके नीचे तक, जो नीचे हमने निशान लगाया है, हमें इस पे ऐसे मिलाना होता है। नीचे से हमने चौड़ाई इसलिए ली है ताकि ये शर्ट नीचे है, हाफ जींस या ट्राउजर पर कहीं पे भी डाल सकती हो। पहले हमें ये आगे वाले पीस निकालने होते हैं। ये हमारे दोनों आगे के पीस हो गए। अगर आप इससे चौड़ी या नीची करनी चाहती हो, आप अपने अनुसार कर सकती हो, लेकिन कंधों की लंबाई आप 7 इंच पे निशान लगाना होता है, क्योंकि जब हमारा ये हिस्सा बढ़ता है तो कंधों का हिस्सा हम अपने आप ही बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये निशान भी आप अपने कंधे के अनुसार लगा सकती हो,
जैसे कि ये हमारा 36 इंच का है, इस पे हमने 8 इंच का निशान लगा, क्योंकि कंधे इतने चौड़े नहीं है। अगर आपके कंधे चौड़े हैं तो आप 9 इंच का, 9 इंच का भी निशान लगा सकते हो, लेकिन मुड्डों को आप 7 इंच का ही रख सकते हो, क्योंकि जब हमारी ये चौड़ाई बढ़ेगी तो हमारे मुड्डे भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें इसका पीछे वाला पीस निकालना होता है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद पीछे वाला पीस निकालने के लिए हमें ऐसे, जैसे कि कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, इसको ऐसे मोड़ना होता है, आगे वाले पीस की चौड़ाई के अनुसार ही मोड़ना होता है। ऐसे जैसे कि आगे वाला पीस हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए पीछे वाला पीस हम 31 इंच का ही लेंगे। पहले आप 31 इंच का निशान लगा लेते हैं, जब हम ऊपर पीस रख के इसको काटेंगे ऐसे, यहाँ तक 31 इंच हो जाएगा। इसके बाद ऐसे पीस को नीचे को सरका के इसके बराबर, जैसे कि एक्स्ट्रा है ये नीचे निकल जाएगा। और अब हम पीछे का पीस भी निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का पीस भी निकल गया। अब जैसे कि हम, मैंने बताया हम बीच में यहाँ पे चुन्नट का डिजाइन डालेंगे, जहाँ हमने ऐसे 7 इंच पे निशान लगाया है ऊपर से डिजाइन के लिए, ऐसे 7.5 इंच पे आप एक आगे वाले पीस में दोनों में ऐसे कट लगा लेते हैं। ऐसे फिर गले की चौड़ाई के लिए, जैसे कि हमें कॉलर वाला गला बनाना है शर्ट का, इसके लिए हमें ऐसे 3 इंच पर निशान लगाना होता है। और ये वाला आगे वाला निशान गहराई का 4 इंच पे ऐसे। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी हल्की वी शेप दे के इसको ऐसे काटना होता है, ऐसे निशान लगा के ऐसे इसको काट लेते हैं। जैसे आप, अगर आप छोटा छोटी शर्ट बनाओगे तो गले की लंबाई आप यहां से भी घटा सकती हो और यहां से भी लंबाई भी घटा सकती हो। इसके बाद जैसे कि पिछले वाला पीस है, इसका हम हल्का सा वो होती है आधे इंच का, ऐसे आधे इंच की थोड़ी हल्की से ऐसे गोलाई करके तब काटना होता है ऐसे। अब हमारे ये आगे पीछे के दोनों पीस कट के तैयार हो गए। इसके बाद हमें बाजू काटनी होती है। जैसे कि ये कपड़ा, इसको एक्स्ट्रा काट लेते हैं। ये कॉलर में और पट्टी में काम आता है। और जैसे कि बाजू की लंबाई हमें 17 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए जैसे ये कपड़ा है इसको हम ऐसे डबल करके फिर इसके बाद इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। जैसे कि हमें 17 इंच बाजू तैयार करनी होगी, उसके लिए हमें 17.5 इंच पे निशान लगाना होता है। आगे हम पट्टी एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे ऊपर, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये ऊपर निशान लग गया। इसके बाद जैसे कि ये हमारा 17 इंच पे निशान लगा है, कंधू का निशान हमें ऐसे 2 इंच नीचे लगाना होता है। इसके बाजू की कटिंग ज्यादा गहरी नहीं होती ऐसे। फिर इसको हम ऐसे हल्का सा गोलाई देनी होती है। जैसे कि वे शर्ट के कंधे हमने 7 इंच के हैं और
ये हमारे 8 के हो गए, इसलिए ये 7.5 इंच के तैयार होते हैं। ये आगे सिलाई में आ जाएगा। फिर इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमें बाजू की चौड़ाई 5 इंच की तैयार करनी होती है, आगे से 5 इंच में निशान लगा के 1 इंच ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसके बाद यहां से ऊपर से फीता रख के ऐसे निशान लगा के इसके हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बाजू तैयार हो गई। जैसे कि हम इसका यहाँ का गहराई का निशान लगाएंगे, सूट में हम ज्यादा लगाते हैं, इसमें हम बस 1/2 इंच का ही लगाएंगे। ऐसे ही जैसे ऊपर से नीचे से हम 3 इंच पर यहाँ और यहां से हम 1/2 इंच पे, और ऐसे थोड़ा हल्का हल्का ही ऐसे नीचे तक लगा के इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू कट के तैयार हो गई। अब शर्ट की कटिंग तैयार हो गई, कॉलर वगैरह हम बाद में काटेंगे। अब मैं आपको शर्ट सिलने का तरीका बता रही हूं। जब जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें चुन्नट डलेगी, सबसे पहले हम आगे वाले पीस में चुन्नट ही डालते हैं। जैसे ये मैंने ये कटिंग ये यहाँ पे कट लगा था ऐसे, इसमें ऐसे सीधी तरफ ही आएगी चुन्नट। डिजाइन के लिए हम इसको पहले इस कट के बीच में ही ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम 1/2 इंच से भी थोड़ा कम करके लगाएंगे, बस इतना। जैसे कि इस पीस में सिलाई लग गई, अब हम ऐसे ही इस पीस में भी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे पीस उल्टा सीधा नहीं हो जाए। जैसे कि ये पीस है और इस पीस को ऐसे रख के, कभी कभी उल्टी लग जाती है ऐसे, इस ऐसे करके इसमें भी ऊपर लगा, इसमें भी ऐसे ही कट के निशान से ऐसे पकड़ के, अब ऐसे 1/2 इंच से भी कम लेके जितनी हमने पहले वाले पीस में ली है ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। इसके बाद इस वाले पीस में ऐसे जैसे कि हमने प्लेट डाली है, इसके ही बिल्कुल सटा के एक प्लेट और, इतनी ही जितनी चौड़ी हमने ये बनाई इतनी ही चौड़ी हम एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे। ऐसे ही दूसरे पीस में भी जैसे मैंने ये बीच में लगाई, आप हम फिर एक चुन्नट इधर डालेंगे, एक इधर डालेंगे, फिर एक इधर डालेंगे, 4 प्लेट डाली जाएगी। अगर हम सारे नीचे डाल देंगे तो फिटिंग से नीचे आ जाएगी, इसलिए पहले बीच में डाल के जब दूसरी और प्लेट डालना। ऐसे ही करके दोनों पीस में ऐसे ही प्लेट डालते हैं, एक इधर डाल दी, अब एक इस प्लेट से दूसरी साइड डाल दी ऐसे। चौड़ी इतनी डालनी होती है जितनी हमने पहले ली है सिलाई में, और बीच में गैप भी बहुत ही कम रखा जाता है।
इसके बाद इस एक प्लेट इसके ऊपर डालनी होती है ऐसे करके, जैसे हमने पहली डाली है ऐसे ही डालनी होती है, चार चार प्लेट दोनों पीस में। जैसे कि इस पीस में तीन प्लेट हो गई, एक इधर एक इधर, एक प्लेट हम नीचे की साइड दो कर देंगे, एक कट से ऊपर हो जाएगी और दो कट से नीचे हो जाएगी। और दूसरे पीस में भी ऐसे ही कट से नीचे हम दो प्लेट करेंगे और कट से ऊपर एक, तो चार चार प्लेट हो जाएगी दोनों पीस में। गिर के तैयार हो गई दोनों पीस में ऐसे। इसके बाद हमें जैसे कि प्लेट है इसको ऐसे ऊपर की साइड करके ऐसे एक सिलाई यहां लगानी होती है और एक यहां लगानी होती है, ताकि ये प्लेटें ऊपर की साइड रहे नीचे न जाए। और ऐसे कपड़े को ऐसे खोल लेना होता है ताकि नीचे चुन्नट नहीं आए। ऐसे इसमें दो सिलाई लगा देते हैं, दूसरी सिलाई ऐसे थोड़ा गैप गैप दे के इधर की साइड, ताकि प्लेटों का रुख ऊपर को रहे और नीचे ना होए और प्रेस से जम जाती है ये प्लेटें। जैसे मैंने इस पीस में लगाई है ऐसी ऐसे ही दूसरे पीस में भी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों पीस की प्लेटों पर सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें पट्टी लगानी होती है जिसपे काज और बटन होते हैं लगते हैं। इसके लिए हमें जैसे कि एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे नाप के लंबाई इसकी ऐसे, और हमें 1 या 1.5 इंच की पट्टी काटनी होती है दोनों दोनों पीस के लिए। ये हमारी पट्टी हो कट गई। जैसे कि हमारी पट्टी कट गई और जिस पट्टी पे बटन लगते हैं वह पट्टी इस पीस पे लगेगी जो सीधी तरफ आता है, सीधे हाथ की तरफ पड़ता है। यह पट्टी हम ऐसे सीधे पीस पे रख के और अंदर को मुड़ जाएगी ऐसे। जैसे कि पट्टी लग के तैयार हो गई, इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे मोड़ के अंदर की साइड ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है किनारे से थोड़े से हटा के ऐसे, जो भर हटा के किनारे से, बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर नहीं। जैसे कि ये सिलाई लग गई, अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकती हो,
एक सिलाई गई, और नहीं तो फिर एक सिलाई आप हम ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे मोड़ के और ऐसे, वह उल्टी तरफ लगती है, मतलब सीधी सिलाई, ताकि पट्टी ऐसे खुली ना रहे, ऐसे अंदर को मुड़ जाए, ऐसे कर। जैसे कि हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई एक पीस की। इस पट्टी पे बटन लगाए जाते हैं, और जैसे कि हमारा ये दूसरा पीस है, अब हम दूसरी पट्टी को ऐसे सीधी तरफ लगाएंगे। ये तो हमने ऐसे सीधे पीस पे लगाई थी, ये हम ऐसे पीस ऊपर लेंगे और पट्टी ऐसे करेंगे, ताकि पट्टी ऐसे ऊपर की साइड पलट जाए। जैसे कि हमारी ये पट्टी भी लग गई, इस पट्टी को हम ऊपर की साइड मोड़, ऐसे मोड़नी होती है, ऐसे ऊपर की साइड ऐसे, और ऐसे मोड़ के इसको ऐसे, इसकी सिलाई किनारे पे होके थोड़े ऐसे किनारे से थोड़े हटा के लगानी होती है, ताकि डिजाइन सा बन जाए और अच्छी ये पट्टी अच्छी भी लगती है। जैसे कि ये सिलाई लग के तैयार हो गई, इसके बाद हमें इसमें दूसरी सिलाई इतना ही गैप देके लगानी होती है, जितना हमने यहाँ दिया है इतना ही इस साइड भी, दूसरी साइड भी इतना गैप देके ऐसे सिलाई लगानी होती है। और इस सिलाई को सीधा ऐसे ही पूरी पट्टी पे ऐसे ही लगाना होता है। जैसे कि ये सिलाई लग के तैयार हो गई, इसके बाद जैसे हमारी ये पट्टी एक्स्ट्रा ऊपर आ जाती है, इसको हम ऐसे थोड़ा गले की शेप के अनुसार ही काट लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी, ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। ऐसे इसके बाद हमें कंधे जोड़ने होते हैं। जैसे कि हमारा पीछे वाला पीस है, इसको ऐसे लेके ऐसे कंधे जोड़ने होते हैं। जैसे कि हमारा पीछे वाला पीस और आगे वाला पीस लेके इसको ऐसे दोनों को ऐसे मिला के कंधे जोड़ने होते हैं। ऐसे ही दूसरा पीस लेके ऐसे, जैसे कि हमारा निशान है, इसके इसको ऐसे मिला के दोनों कंधे ऐसे ही जोड़ने होते हैं। जब हम कंधों को जोड़ते हैं, जब मुड्डे की तरफ आते हैं, तो हम हल्का सा उसको थोड़ा ढलान देने के लिए सिलाई को थोड़ी टेढ़ी कर लेना होता है। और फिर डबल सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर, ऐसे ही किनारे के ऊपर को। जैसे कि हमारे कंधे जुड़ के तैयार हो गए दोनों, इसके बाद हमें कॉलर लगाने होते हैं। कॉलर के लिए हमें पहले गले की नाप लेनी होती है। जैसे ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम काट लेते हैं गोलाई में, ऐसे दोनों, ऐसे दोनों साइड से। ताकि नाप लेने में परेशानी ना हो, अब हम इसको ऐसे
ऊपर मतलब पूरे को ही, पूरे गले को ही नाप लेंगे ऐसे। देखो जैसे कि ये 5.5 इंच का आगे वाला गला, ये 12 इंच, और पूरा गले की लंबाई हो गई 17.5 इंच। अब हमें कॉलर लेने के लिए, जैसे कि 17.5 इंच तैयार करने होते हैं कॉलर, तो उसके लिए हमें थोड़ा कटिंग करना होता है। तो 19.5 इंच का कपड़ा लेंगे हम, और कॉलर की चौड़ाई हम 4 इंच की करेंगे। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, और हमारे कॉलर की लंबाई 17.5 इंच तैयार है। इतनी आधा इंच हम सिलाई में लेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। 18 इंच, जैसे कि हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया, इसके बाद हम उसकी थोड़ी टेढ़ी कटिंग करते हैं, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। हम 20 इंच का कपड़ा काटेंगे ऐसे। ऐसे कॉलर की लंबाई हम चौड़ाई 4 इंच तैयार करेंगे, इसलिए हमने 4.5 इंच के कॉलर की चौड़ाई ली है। और इसमें भरने के लिए एक पट्टी और एक्स्ट्रा इतनी ही चौड़ाई की लेनी होती है। अगर हम बुकरम भरेंगे तो ज्यादा खड़े खड़े कॉलर हो जाएंगे, बड़े कॉलर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम इसमें कपड़ा ही भर लेते हैं। आप चाहो तो और भी और तरह का कपड़ा भर सकती हो, वो अंदर आएगा। जैसे कि हमने इस पट्टी के अनुसार ही एक पट्टी और काट लेते हैं ऐसे। इसको ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल लेते हैं। अब हमारी ये कॉलर की पट्टी हो गई, इसकी लंबाई 20.5 इंच हो गई। इसके लिए हमें ये 17.5 इंच तैयार रखनी है। जैसे कि ऐसे पट्टी को ऐसे मोड़ के और जैसे कि यहाँ पे 17.5 इंच तैयार हो जाएगी, उसके लिए हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमारी ये 2 इंच कपड़ा बच गया, इसको हम ऐसे तिरछा ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, और जो कपड़ा थोड़ा बाहर एक्स्ट्रा निकला है उसको भी काट लेते हैं। ये आगे वाले कॉलर की कटिंग हो गई। अब जैसे हमने ये कॉलर भी मोड़ा है, ये बीच है, इसमें हम गहराई के लिए जैसे कि 4.5 इंच है, हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे 1 इंच। इसको हम 1 इंच को हम ऐसे थोड़ा हल्की सी गोलाई में ऊपर तक इसी कोने तक ऐसे मिला लेंगे। फिर हम इसको इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे कि हमारे कॉलर की कटिंग हो गई, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे ऐसे तीनों ही पट्टी लेके। सिलाई थोड़ी नीचे से 0.5 इंच कपड़ा छोड़ के तब लगानी होती है। जब हम यहाँ कोने पर आएंगे, यहाँ भी हम 0.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे जैसे कि हमने शुरू में छोड़ा है। ये हमारे कॉलर पे सिलाई लग गई। अब हम इसको सीधा करेंगे।
ऐसे किसी भी नोक से आप इसकी नोक में ऐसे करके इसको ऐसे इसके नोक निकाल के सीधा कर सकती हो। जैसे कि ये कॉलर सीधा हो गया, अब हम इसके ऊपर को एक सिलाई और लगाएंगे। जो हमने ये आगे से खुला छोड़ा है, इसको हम अब भी खुला ही छोड़ेंगे और किनारे से थोड़ा हटा के सिलाई लगाएंगे। जहां कोन आएगा वहां हम मशीन को थोड़ा ऐसे पंजे को उठा के तब घुमाएंगे और पूरे कॉलर में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। जैसे कि ये कॉलर पर सिलाई लग के कॉलर तैयार हो गया। अब हमको हम पहले इसे कॉलर को गले से नापेंगे ऐसे। अगर आपको कॉलर थोड़ा बड़ा लगे या आपको गला बड़ा लगे, अगर आपको कॉलर बड़ा लगे तो आप सिलाई देती आने थोड़ा नीचे का हिस्सा खींच सकती हो। अगर आपको गला बड़ा लगता है तो आप एक छोटा नंबर करके पूरे गले पे सिलाई लगा के और तब कॉलर लगाना, उससे आध आध पौन इंच कपड़ा घट जाता है। और जैसे हम कॉलर लगाएंगे, ये हमारे जो दो पीस है, तीन पीस है, एक हमने अंदर भरा है, दो हमारे साइड के हैं, ये दो पीस हम पहले सिलाई में लगाएंगे ऐसे, और ये ऊपर वाले पीस में जब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे तब मोड़ेंगे ऐसे करके। जैसे कि ये पूरा कॉलर लग गया, अब हम आखिरी इसमें आ गए, इसको भी हम ऐसे ही दोनों पीस को मिला के ऐसे सिलाई लगाते हैं। जैसे कि हमारी एक कॉलर की नीचे वाली सिलाई लग गई, अब हम ऊपर वाले, जैसे कि हमने ये एक पीस बचा है, इसको ऊपर की सिलाई लगाएंगे मोड़ के। जो ये हमारी पट्टी है, इसको ऐसे दबा के और ऊपर वाली पट्टी को ऐसे मोड़ के, और जो हमारी ये गले पट्टी वाली सिलाई है, इस पट्टी की सिलाई से सिलाई लगाएंगे मिला के। ऐसे फिर इसके बाद हम मशीन को थोड़ा उठा के पीछे तक ले जाके और तब शुरू से सिलाई लगाएंगे। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम खींचेंगे नहीं, थोड़ा हल्के हाथ से ढीला छोड़ेंगे और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा ऐसे खींच के रखेंगे। जो ये सिलाई वाला हिस्सा है, इससे ऊपर वाले कपड़े में चुन्नट नहीं आएगी और कॉलर की सिलाई अच्छे से लग जाएगी। जैसे कि ये पट्टी लग गई, और जैसे हमने शुरू में पट्टी को मोड़ा था, इस अंदर वाली पट्टी को ऐसे अंदर करके ये ऊपर ये करके ऐसे ही सिलाई लगाते हैं, ताकि अंदर जो हमारी पट्टी है उसका धागा बाहर नहीं आए। और फिर मशीन को ऐसे थोड़ा उठा के पीछे करके दोबारा फिर सिलाई लगाई। और इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी होती है थोड़ा सा गैप देके, जैसे कि हमने ऊपर कॉलर पे लगाई है। जैसे कि हमारे कॉलर लग के तैयार हो गए, इसके बाद हमें इस शर्ट में फिटिंग देना होता है। ऐसे ये कॉलर ऐसे बन के तैयार हो गए।
ऐसे। इसके बाद हमें इसमें फिटिंग देना होता है। ऐसे करके पीस को ऐसे लेके ऐसे जितना मैंने आप फिटिंग के अपने फिटिंग के अनुसार सिलाई लगा सकती हो, वैसे इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि शर्ट में ज्यादा कपड़ा अंदर नहीं लिया जाता। सिलाई आप उसी अनुसार लगाओगे जैसे कि हमने बीच में ऐसे गहराई दी है फिटिंग के लिए। जैसे कि हमारी ये इधर वाली सिलाई लग गई फिटिंग की, उसी प्रकार से हम इधर वाली सिलाई को भी ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे दोनों पीस को मिला के और ऐसे ही फिटिंग के अनुसार जैसे कि हमने गोलाई दी है उसी अनुसार। कभी कभी हमारी चेस्ट हैवी होती है और कमर पतली होती है, उसके लिए आप अगर आपकी शर्ट की फिटिंग नहीं बैठती तो आप पीछे चुनर डाल सकती हो। जैसे कि हमारी सिलाई लग के ये शर्ट तैयार हो गई, अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। ऐसे दोनों पीस को मिला के इसको ऐसे फैला के और दोनों पीस को ऐसे मिला के ऐसे, और जैसे कि ऐसे तिकोनी निशान वो कटिंग होती है उसके लिए हम ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और इस साइड भी हम ऐसे ही 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऐसे नीचे तक इसके बीच वाले पीस में ऐसे मिला देंगे। जो छोटा बड़ा कटिंग पीस है वो भी निकल जाएगा ऐसे। अगर आपको ऐसे परेशानी होगी जब आप शर्ट छांट की कटिंग करती हो, ये कटिंग आप जब भी कर सकती हो। अगर आप ये कटिंग और ज्यादा गहरा लगाना चाहती हो तो आप और ज्यादा गहरी कटिंग कर सकती हो, उससे ऐसे ऐसे शर्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको नीचे से मोड़ते हैं, ऐसे शर्ट नीचे से बारीक मोड़ी जाती है ऐसे करके। जैसे कि ये गोलाई है, इसे मोड़ने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ के ही ऐसे ढीले ढीले हाथ से ही मोड़ के तब सिलाई करनी होती है। अगर आप खींच के करोगे तो इसमें झोल आ जाएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे ही मोड़ के जैसे कि हमारी कन्नी मुड़ के ये शर्ट तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू लगा तैयार करनी होती है। बाजू के लिए हमें पहले जैसे कि हमारे मुड़े अगर आपको छोटे लगते हैं तो आप 1/2 इंच बाद में भी कटिंग दे सकती हो ऐसे, और 1/2 इंच ही आप ये गोलाई भी 1/2 इंच ही देनी होती है ऐसे। ये आप बाद में भी दे सकती हो और पहले भी दे सकती हो। अगर आप बाद में दोगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगी। कभी कभी कटिंग सिलाई में छोटे पड़ जाते हैं, और ऐसे ही 1/2 इंच आप हम इधर से कर लेंगे और 1/2 इंच ही हम ऐसे बीच में ये कटिंग कर लेते हैं ऐसे। जैसे कि हमारे ये कंधे तैयार हो गए, इसके बाद अब हमें बाजू तैयार करके लगानी होगी।
जैसे कि ये हमारी बाजू है, इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे डिजाइन के लिए। पट्टी हमारी ऐसे हम 2 इंच चौड़ी लगा सकते हैं, या आपको अगर ज्यादा चौड़ी लगानी है तो ज्यादा भी लगा सकती हो। जैसे कि हमारी ये पट्टी तैयार हो गई एक। अब ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी काटनी होती है। ऐसे पट्टी को रख के पट्टी इस पट्टी कितनी चौड़ाई की हम दूसरी पट्टी काटते हैं। इसके बाद हमें जैसे कि हमें बाजू में स्टेप लगानी होती है, जिसपे हम डिजाइन के लिए बटन लगाते हैं। उसके लिए हमें ऐसे पट्टी कितनी चौड़ा लंबाई का ऐसे 2 इंच चौड़ा एक और कपड़ा काटना होता है, ऐसे डबल करके ही। इसका छांट हमें थोड़ा ऐसे तिकोना देना होता है, इस कपड़े को ऐसे मोड़ के, और ज्यादा नहीं थोड़ा आधे इंच से भी कम हम ऐसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद इधर से भी हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे ये वाली शेप दे देते हैं। ऐसे ही हम इस टुकड़े में भी ऐसे ही इसके अनुसार ही ऐसे शेप देंगे। चाहो तो आप ऐसे रख के और दूसरे पीस को काट सकती हो, और नहीं तो ऐसे इसको भी ऐसे ही मोड़ के और यहां से आधा इंच की ये शेप दे के और ऊपर भी ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे बना सकती हो। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई भी हम उसी अनुसार लगाएंगे जैसे कि हमने शेप दी है ये नीचे से। अगर आप स्टेप इससे नीचे लगानी चाहती हो तो आप इससे छोटी कर सकती हो। ऐसे ही इस पट्टी में भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों पट्टी में सिलाई लग गई। अब जो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के इनको सीधा करना होता है। कपड़े को इसलिए काटना होता है अंदर, फिर ज्यादा मोटा मोटा हो जाता है ये ऐसे। इसके बाद इसको किसी भी नुकीली चीज से इधर से करके ऐसे और ऊपर को ऐसे निकाल लेते हैं, इससे ये सीधा हो जाएंगे। और जो जैसे जैसे हमने सिलाई लगाई है कोने निकाल के ऐसे ही आप कोने निकाल सकते हो ऐसे। ऐसे ही दूसरे पीस को भी ऐसे ही सीधा करना होता है। और इसके भी ऐसे ही कोने निकालने होते हैं ऐसे। जैसे कि दोनों पट्टी सीधी हो गई, अब इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है किनारे से थोड़े हटा के, जैसे कि हमने कॉलर में लगाई है। जैसे कि हमारी इस दोनों पट्टी तैयार हो गई ये स्टेप। इसके बाद हम बाजू में वो पट्टी लगाएंगे डिजाइन के लिए जो काट के रखी है। जैसे कि हमारी पट्टी है, पहले हमें बाजू के बीच में यहाँ पे ऐसे कट लगाना होता है। कट के बाद हम पट्टी को ऐसे रख के ऐसे इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे, और जहां पे कट है वहां पे हम ये स्टेप लगा देंगे ऐसे बीच में, नीचे बाजू ऊपर स्टेप फिर ये पट्टी। और स्टेप ध्यान रहे बीच में जहां हमने कट लगाया वहीं पे रखनी होती है।
जैसे कि हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई और ये स्टेप बीच में आ गई। इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे ऊपर की साइड करके सीधी साइड और ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी होती है। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम स्टेप को ऐसे ऊपर की साइड ही करके सिलाई लगाएंगे और सिलाई आप किनारे से थोड़े हटा के लगानी होती है। ऐसे स्टेप को भी सिलाई के नीचे करके इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है ताकि ये दब जाए। जैसे कि हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई दोनों बाजू में ऐसे ही। अब हम जैसे कि ये पट्टी ऊपर से है इसको ऐसे मोड़ के और इसको भी थोड़ा ऐसे हटा के ऐसे कपड़ा छोड़ के जैसे कि हमने इधर छोड़ा है इतना ही हमें इधर छोड़ना और सिलाई ये पट्टी ऐसे सीधी लग जाएगी और इसमें स्टेप नहीं दबेगी। ऐसे जैसे देखो किनारी पे न होके तो पीछे हटके मशीन है ये ऐसे डिजाइन बन जाएगा और ये स्टेप ऊपर रहेगी। जैसे कि हमारी दोनों सिलाई लग के बाजू तैयार हो गई बाजू की पट्टी और जैसे कि स्टेप है इसके ऊपर बटन लगाएंगे। इसके बाद हमें बाजू का फिटिंग देना होता है। फिटिंग आप ऐसे करके और जैसे कि हमारे मुड्डे है शर्ट के ऐसे इसके अनुसार ही सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके आप ऐसे निशान लगा सकती हो ऐसे और बाजू का फिटिंग आप अपने अनुसार कर सकती हो। जैसे कि हम बाजू आगे से 5 इंच की होनी है उसी अनुसार आप पूरी बाजू का फिटिंग दे सकते हो। ये निशान इसलिए लगा ताकि बाजू छोटी बड़ी ना हो एकदम फिट आ जाए। इसके बाद इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने इस बाजू में सिलाई लगाई है दोनों बाजू में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी ये बाजू सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसे शर्ट के मुड्डे पे जोड़ना होता है। ऐसे जैसे कि हमारी ये बाजू है इसका कटिंग इधर है और जैसे कि हमने शर्ट के मुड्डों में भी थोड़ा हल्का कटिंग दिया है तो इसको ऐसे मिला के ऐसे दोनों को बाजू सीधी रहेगी शर्ट को उल्टी कर लेते हैं और ऐसे सिलाई से सिलाई मिला के मुड्डों के चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। दोनों बाजू को हम ऐसे ही जोड़ते हैं ऐसे जैसे कि बिल्कुल फिट नाप होगा। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। जैसे कि शर्ट की दोनों बाजू लग के तैयार हो गई। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर कंधों पे एक सिलाई और लगा सकती हो जैसे कि हमने कॉलर पे हटा के लगाई है ऐसे ही किनारे से हटा के लगा सकती हो। अगर आपको ऐसे अच्छी लगती है तो आप ऐसे भी रख सकती हो। और इस पे बटन आप बड़े वाले रेडीमेड लगा सकती हो फैशन के जिससे शर्ट अच्छी लगे ऐसे। जैसे कि ये हमारे बटन है ऐसे बाजू पे जैसे ये स्टेप है इसके ऊपर ऐसे बटन रख के और नीचे टांका लग जाएगा ये भी मतलब ये भी जुट जाएगा और ऊपर बटन लग जाएगा ऐसे डिजाइन के लिए। और शर्ट पे भी आप ऐसे डिजाइन वाले बटन लगा सकते हो।
नीचे काज एक पट्टी पे काज होएंगे और एक पट्टी पे बटन लगेंगे ऐसे। इसे आप जींस पे, ट्राउजर पे या सलवार पे भी डाल सकती हो।